न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गोरखपुर के राजगढ़ थाने के बैरक की छत से गिरकर सिपाही की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बलिया जिले के बासडी निवासी 25 वर्षीय सिपाही अभिषेक सिंह पुत्र अखिलेश्वर सिंह गोरखपुर में तैनात थे और वो 2021 बैच के सिपाही थे। वर्तमान में उनकी तैनाती राजघाट थाने के बसंतपुर चौकी पर थी। वो राजघाट में 10 महीने से तैनात थे। रोजाना की तरह वो थाने के बैरक के ही द्वितीय तल पर सोमवार की रात सोए हुए थे और मंगलवार की भोर में ही वो नीचे गिरे पड़े हुए मिले और सहकर्मी पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना राजघाट परिसर में बैक साइड में अभिषेक सिंह नामक आरक्षी, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं और 21 बैच के आरक्षी हैं, वो यहाँ पर गिरे पड़े हैं। उनको तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। परिजनों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। जो मौके के साक्ष्य हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है और साथ ही साथ पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है, जिसके आधार पर आगे की जांच जो है की जाएगी। बस्ती जिले के खुदराहा बीआरसी पर शिक्षकों का एक कारनामा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। बीआरसी खुदराहा में निपुण भारत कार्यक्रम के तहत परीक्षण चल रहा था और कार्यालय में ही बैठकर खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी अपना काम कर रहे थे। तभी शिक्षक कृष्ण कुमार वर्मा खुदराहा बीआरसी कार्यालय में घुसकर बीईओ पर ट्रेनिंग से छुट्टी के दबाव बनाने लगे। बीईओ द्वारा मनाए जा रहे माँ बहन की गाली गलौज देने लगे और वहाँ ट्रेनिंग में उपस्थित सभी अध्यापक बाहर आ गए और किसी प्रकार सभी ने मामला शांत करवाया है। वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद से ही बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने कहा कि जाँच रिपोर्ट के लिए रिमाइंडर भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, खुदराहा ब्लॉक में ट्रेनिंग के दौरान शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी में कहा सुनी हुई है, उसका वीडियो वायरल हुआ है। तो उसके मैंने 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया है, 3 खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए दिया हुआ है। तो अभी कुछ दिन हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं आई तो मैंने फिर से रिमाइंडर भेज दिया है। 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाए उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। आज 1 नवंबर को यातायात माह के पहले दिन पुलिस अधीक्षक अमेठी हरी झंडी दिखाकर बच्चों की रैली को रवाना किया गया है। यातायात प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह तोमर की टीम द्वारा स्कूली बच्चों के साथ रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। यातायात जागरूक रैली पुलिस अधीक्षक कार्यालय से होकर नगर जनपद मुख्यालय तक निकाली गई है और लोगों को जागरूक भी किया गया है कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहने और 4 पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यातायात माह में जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने वाले स्कूली छात्र छात्राओं के माध्यम से लोगों से अपील भी की है कि अपने वाहन को नियमित धीमे गति से चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। यातायात माह मनाया जाता है, उसी क्रम में आज पुलिस ऑफिस से स्टार्ट करके स्कूल बच्चों का द्वारा यातायात नियमों का जागरूकता अभियान किया जा रहा है। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के ही गरीबा मोहल्ले में 6ठी बरोहो के कार्यक्रम में गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई। आग से मासूम बच्चे महिलाएं सहित 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। घर की महिलाओं सहित बच्चे की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े और सभी को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया,
जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए कानपुर हेल्थ रेफर कर दिया है। बता दें आपको कि शहर के गरीबा मोहल्ले में 6ठी बरोहों के कार्यक्रम में पूरा परिवार इकट्ठा होकर खुशियां मना रहा था कि तभी अचानक गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और घर में मौजूद मासूम बच्चे सहित 13 लोग आग में झुलस गए। घायलों के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनकी हालत बता रहे हैं कि डॉक्टर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें कानपुर हेल्थ रेफर भी कर दिया गया है। बाकी सभी झुलसे हुए लोगों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अभी हमारे ट्रॉमा सेंटर के चीफ फार्मासी योगेंद्र जी बताए कि सर बर्न केस अचानक यहाँ पे 14-15 लोग आए हैं। हमको सूचना मिली तो मैं यहाँ पे आके मौका मुआयना किया हूँ। यहाँ पे 7 महिलाएं आई हैं, 4 पुरुष आए हैं। बच्चे में जो बच्चे आए हैं जिसमें एक महिला, एक फीमेल चाइल्ड है, एक मेल चाइल्ड है। सभी फर्स्ट एड दे दिया गया है, सभी मरीज सही हैं। एक महिला है जिसका 50% से एबव बर्न है, उनको हम लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए हैं, क्योंकि उनको एक सप्ताह भर्ती करना पड़ेगा और उनका फ्लूइड वगैरह पे रखना पड़ेगा, इन्फेक्शन से बचाना है। और सभी की स्थिति सही है, हमारे मौके पे सभी डॉक्टर मौजूद हैं, फार्मासी मौजूद हैं, वार्ड बॉय मौजूद है, सभी सुचारू ढंग से चल रहा है। रुड़की क्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों पर रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने कॉलोनी न खरीदने के बोर्ड लगा दिए थे, उन्हें भू माफियाओं ने अपनी कॉलोनियों से उखाड़ फेंका है। और जिन कॉलोनियों में अभी भी इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं उन पर भी ढलल्ले से निर्माण हो रहा है। अब इस बात का साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये कॉलोनियां ही अवैध हैं तो इन कॉलोनियों में होने वाले निर्माण कितने वैध होंगे। और वहीं इस मामले में जब मीडिया द्वारा अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला डाला गया तो उन्होंने उक्त कॉलोनियों पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। लेआउट हैं हमारे रुड़की क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हमारे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो है चेतावनी बोर्ड लगाए जाए ताकि पब्लिक जागरूक रहे और जो अनाधिकृत रूप से भू माफिया हैं और अनाधिकृत रूप से निर्माण कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं, तो उन पर जो लगाम कसने के लिए जो लगाए गए थे और कई जगह शिकायतें भी आ रही हैं, उखाड़ दिए, फिर उनको दोबारा से चेक कर रहे हैं। अब हमारी कुछ ही दिनों में एक कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर हम करने जा रहे हैं, यही कहना चाहूँगा। सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने वाले BLO के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 21 BLO के खिलाफ निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की कार्रवाई से BLO में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको कि 1 अगस्त से आधार नंबर को मतदाता सूची से लिंक किए जाने का कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसके लिए तमाम BLO की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन 30 अक्टूबर को 3 माह बीते जाने के बाद भी BLO द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया गया, जिसे लेकर प्रशासन ने नाराजगी जताई है। प्रशासन ने ऐसे 21 BLO के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरती है। 12 BLO के खिलाफ बहजोई थाने में और 9 BLO के खिलाफ चंदोली थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। अगर फिर भी अन्य BLO द्वारा लापरवाही की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से BLO में हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।